अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 1947 में हम लोगों को उसी समय यह तय करना चाहिए था कि हम नया देश हैं या हम प्राचीन देश की एक लिंक है। यूनेस्को तो कहती है कि दुनिया में 46 सिविलाइजेशंस थे, इस 40 में 45 गायब हो गई। ग्रीस का सिविलाइजेशन ख़त्म, रोम सिविलाइजेशन ख़त्म, बेबिलियन का ख़त्म, मेसोपोटामिया का ख़त्म, ये इजिप्ट का ख़त्म, ऐसे 45 ख़त्म, एक ही बचा है। वो कौन सा संस्कृति है? वो है भारत की हिंदू संस्कृति, जिसको यूनेस्को ने मानती है। और इन इन इतने एक 700-800 साल में लड़े कौन? जो बाहर से आए उनके खिलाफ लड़े कौन? लड़े हमारे हिंदू राजाओं ने, लड़े महाराष्ट्र में शिवाजी, राजस्थान में अनेक, उसमें राणा प्रताप, और इसी प्रकार से साउथ में विजयनगरम एम्पायर, आसाम में अहोम डायनेस्टी, 6 बार मुगलों ने आसाम को पार करके बर्मा जाने की प्रयास की, परंतु अहोम डायनेस्टी जो हिंदू डायनेस्टी थी उन्होंने 6 बार उनको पीटा और बाद में आए नहीं। और आखिर में पूना में बाजीराव पेशवा मराठा सेना के साथ मुगलों को हराया, परंतु इतने सालों लड़ते लड़ते थक गए थे। उस समय अंग्रेज आए 20 साल के बाद, और 1815 में उन्होंने बाजीराव को हराया, नहीं तो मराठा तो बना दिया था देश को, पूरा देश को मुक्त करके। रेड फोर्ट की में भी उन्होंने अपने हाथ लगा दी थी। तो इसके बाद फिर लड़े, पहले तो साधु संन्यासी शुरू की, रामकृष्णा, उसके बाद विवेकानंदा और अरविंदो, और इस प्रकार से अनेक राजा साधु संन्यासी आगे आए। आर्य समाज की भी एक नया स्कूल खुली, और धीरे धीरे फिर हमारी आज़ादी आंदोलन शुरू होकर आखिर में हमारी जीत हुई थी 1947 में। तो ये किसके लिए? हमारी संस्कृति को पुनरुत्थान करने के लिए। और हमारी संस्कृति के पुनरुत्थान करने के लिए हमारी जो लोग हैं, जो हमारी संस्कृति को मानते हैं, उनको हमें रक्षा करनी है। अनेक जगहों में आज हिंदू बसे हुए हैं, मैं तो मुसलमान को भी मानने के लिए तैयार हूँ। एक बार मेरा डिबेट था ओवैसी के साथ, उसने मुझे पूछा, वो किसी और से डिबेट नहीं करता है, मुझसे ही करता है, वो कहता है सबसे अच्छा आदमी डिबेट करने के लिए मुझे, मैं उसको इंसल्ट नहीं करता हूँ। मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि मैं क्या हिंदुस्तान का विरोधी हूँ? मैंने कहा नहीं, तुम देशभक्त हो परंतु तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। तो उन्होंने कहा फ़र्क क्या? मैंने, तुम हमारे देश के लिए लड़ोगे, कोई खतरा देश के लिए आएगी तो लड़ोगे, इतना तो मुझे विश्वास है, परंतु राष्ट्रवादी नहीं है, क्योंकि तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम्हारा पूर्वज हिंदू है, ये है समस्या, ये मान लो। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसा पता? मैंने कहा कि हैदराबाद में एक माइक्रोबायोलॉजिकल लेबॉरेटरी है, हम दोनों चलें, हमारे DNA का टेस्ट करेंगे, दोनों एक निकलेगा। हिंदू मुस्लिम शेड्यूल कास्ट ब्राह्मण, हमारे देश में उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, सबके जो DNA है, आज रिसर्च पब्लिश हुई है, हम एक हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मानने की बात है।